नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों से। परसवाड़ा के सीएम राय स्कूल का शुभारंभ सरकार के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया। इस दौरान मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर मंत्री कावरे ने स्कूल में वृक्षारोपण कर बच्चों के शैक्षणिक सामग्रियों की उन्हें जो है वितरण किया। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जो है आधुनिकता खास तौर पर देखी जाएगी और उस आधुनिकता में हम सब अपने बच्चों को लेकर है। इसी मंशा को लेकर सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का काम किया गया है। सर, आज जो 1 अप्रैल 2023 को श्री माननीय आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी द्वारा सीएम राइज स्कूल परसवाड़ा में नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 का उनके कार्यक्रम द्वारा किया गया है। और आज कक्षा KG1 यानी हमारी संस्था में KG1 में प्रथम बार बच्चों को हम प्रवेश दिए हैं, यानी शासकीय स्कूल में पहली बार KG1 में बच्चों को प्रवेश दिया गया है, जिसमें हम 25 बच्चे हमारी क्षमता के अनुसार लगभग 25 बच्चों का हमने प्रवेश दिया हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारे गाँव में रहने वाले बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उन सबसे परिपूर्ण ये हमारा CM राइस हो। हमारे गांव में अगर 15 किलोमीटर के दायरे में भी हमारे बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, बच्चे पढ़ने में अच्छे होशियार होंगे, तो निश्चित रूप से इस स्कूल में उनका एडमिशन भी होगा। उसको लेकर आज परसवाड़ा के इस शुभारम्भ के कार्यक्रम में, CM राइस शुभारम्भ के कार्यक्रम में मेरा आना हुआ।